क्षपदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्येन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एक बार बिलाउर के पवित्र धरती से भगवान सूर्य के इस पवित्र प्रांगण से महर्षि पतंजलि को एक बार याद करते हैं, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा अर्पित करते हैं कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से पूरे दुनिया को निरोग रहने का जो मूल मंत्र दिया है, उस मूल मंत्र के साथ आज हम सब अनुलोम विलोम के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आइए आपको मैं अनुलोम विलोम के विधि के बारे में मैं बता रहा हूँ। सीधे बैठ जाते हैं ध्यान मुद्रा में, बायां हथेली आपका बाएं घुटना पर रहेगा। अब दाहिने हथेली को उठा लेंगे थोड़ा, अब तर्जनी को मोड़ लिया, अब दाहिना अंगूठा दाहिने नासिका पे रखेंगे, बाएं नासिका से दाहिने हाथ वाला अभ्यास करना है। दाहिना अंगूठा यानी दाहिना हाथ का दाहिना अंगूठा दाहिने नासिका पर, बाएं नासिका से 5 सेकंड तक धीरे धीरे प्राणवायु अंदर ले जा रहे हैं। जब सांस अंदर चला जाए तो अनामिका और मध्यमा उंगली को बाएं नासिका पे रख करके दाहिने अंगूठे को हटाकर दाहिने नासिका से प्राणवायु को बाहर करेंगे। फिर दाहिने अंगूठे को हटाया है और दाहिने नाक से जब प्राणवायु बाहर कर लिया तो फिर दाहिने से ही सांस को भर लेना है। फिर दाहिने अंगूठे से दाहिना नासिका बंद करके बाएं नासिका से प्राणवायु को बाहर करते हैं, यानी बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। अब मिलकर के अभ्यास करते हैं सबके। आंखें बंद, मन शांत और यह अभ्यास 5 मिनट तक बड़ी सहजता से करिएगा। अनुलोम विलोम के अभ्यास करने से मिर्गी की बीमारी, पागलपन की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी और धीरे धीरे हमारी जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड यानी हाई ब्लड प्रेशर, जिनको उच्च रक्तचाप है, उनको यदि अभ्यास 15 मिनट कर दिया जाए 5 दिन, तो 5वें दिन 100% ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जिनके भीतर तनाव, क्रोध, गलत रास्ते पे चलने की आदत, लंबा गहरा सांस, आंखें बंद रहेंगे, कोई आवाज नहीं, मन को एकदम शांत करते हुए अंतर्मुखी होने का अभ्यास। हम लोग तो आज तक बहिर्मुखी होकर के जीवन को जिया, बाहर की वस्तुओं को देखा, आज आत्मचिंतन, आत्मावलोकन और आत्मनिरीक्षण का दिन है कि हे परमात्मा, अब तक तो मैं दूसरों के बारे में चर्चा किया, दूसरों के सुख दुख के बारे में चर्चाएं की, दूसरों के अवगुणों के बारे में मैंने वाद विवाद किया, आज अपने जीवन के बारे में देखने का मौका मिल रहा है। जन्म से लेकर के यानी जब से हम सभी होश संभाले, लंबा गहरा प्राणवायु को अंदर बाहर करते रहेंगे, आवाज नहीं निकले सांस लेने छोड़ने में, बार बार एक भजन आता है सोमानंद सरस्वती जी बार बार गाया करते थे, वो जोगी जोग जोगत से करना। हम सभी योगियों की संतान हैं, हम सभी ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमारे अंदर ऋषि महात्माओं का खून बह रहा है। ओ अभिषिप्त आत्म हवि लेकर जग जननी के शरणा हो जोगी जोगे जुगत से करना। आप सभी योगी हैं और इस क्रिया को बड़ी जतन से करना है।